बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं लाई हूँ मज़ेदार सी रेसिपी समोसों की, आलू के समोसों की, जो रमज़ान के लिए है ख़ास तौर से। इसके लिए मैं बॉयल आलू लिए हैं, छोटे छोटे हैं तो चार पाँच लिए हैं, और आटा लिया है हाफ के जी से कम है, थोड़ा सा नमक है, और यह अजवाइन है आटे में डाल के गूंदने के लिए। ये ज़ीरा पाउडर लिया है, गरम मसाला लिया है, चाट मसाला लिया है, लाल मिर्चें ली हैं और साबित धनिया ली है। इसको हम आलू में डालेंगे। ऑयल लिया है मैंने। सबसे पहले मैं आपको इसका समोसों का आटा गूंद के दिखाऊंगी, जब थोड़ा सख्त गूंदता है ये ख्याल रखना है बस हमें। इसमें हम थोड़ा नमक शामिल करेंगे, ये एक पाव मैदा है, और इसमें मैं डालूंगी अजवाइन जो होती है, अजवाइन के दाने, और इसमें डालेंगे हम ऑयल एक चम्मच बड़ा, और इसको गूंद लेंगे सख्त सा हम, बहुत नरम नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े पानी से। बहुत ज़्यादा सा नरम आटा होता है तो फिर समोसे अच्छे नहीं बनते हैं, इस बात का बस ख्याल रखें। और आटा गूंद के थोड़ी देर के लिए रख दें हम किसी जगह पर कवर करके, तकरीबन आधे घंटे के लिए भी रखेंगे तो सेट हो जाएगा आटा, या एक घंटा आपके पास टाइम है तो आप रख दें ज़्यादा। मैंने गूंद लिया है थोड़ा सख्त सा आटा, अब इसको मैं थोड़ी सी और डाल लगा रही हूँ, और इसको रख देंगे हम कवर करके प्लास्टिक रैप से। तो फिर मैंने आधे घंटे के लिए मैं रख दूंगी इसे, जब तक मैं उस आलू बना लूँगी जो इसकी फिलिंग के लिए होता है। आप चाहें तो उसमें और सब्जियां भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते इसलिए मैंने डाल रही हूँ हरी धनिया, हरी मिर्ची। ये देखिए हम आलू को मैश कर लेंगे। अब हम सारे स्पाइसेस मिक्स करेंगे, एक मिर्च चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची, एक चम्मच चाट मसाला है, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा है, आधा चम्मच गरम मसाला है, और साबित मिर्चें हैं एक चम्मच छोटा, या आधा चम्मच ले लें बड़ा है तो, साबित धनिया जो होती है, और नमक डाल लें थोड़ा सा, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए ख्याल रखें बस कम शामिल करें। इस तरह आपके आलू हैं उसमें क्वान्टिटी में आलू हैं तो आप फिर ज़्यादा डालें मसाले वगैरह। इसमें आप हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते तो मैंने डाल रही हूँ, या आप अपनी मर्ज़ी से आप इसमें ग्रीन सब्जियाँ शामिल कर सकते हैं। इसको मैं ज़ीरे साबित ज़ीरे से थोड़ा सा भगाऊंगी बस, थोड़ा सा ऑयल डाल के। थोड़ा सा ज़ीरा कड़कड़ आएगा तो फिर हम इसमें आलू शामिल कर देंगे, जो हमने डाला था मसाला जिनमें मिक्स किया था, अभी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे आलू को। आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ और ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिल सकें, और वीडियो को पूरी देखा करें ताकि आपको अच्छा सा सही समझ में आए सब कुछ। देखिए हम इसे अच्छी तरह इसे मिक्स इसमें ऑयल से मिक्स कर लेंगे। ऑयल मैंने बहुत ही कम डाला है, छोटा चम्मच समझे डाला है ऑयल का, जो टीस्पून होता है। अब इसे ठंडा कर लेंगे हम थोड़ी देर के लिए, रख देंगे ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी फिर आलू ये बनाएंगे समोसे हम। देखिए हम समोसे की ये दो मैंने रोटियों की तरह लोई ली है, छोटी लोई ली है, और हम इसे लंबाई में बेलेंगे, चौड़ाई में, गोलाई में नहीं बेलेंगे, लंबाई में बेलेंगे, और इसके मैं दो पीस कर लूँगी, यानी हाफ बीच में से हाफ कर लूँगी इसे, दो समोसे बनाऊँगी इसमें।
आपको जिस बड़े जितने बड़े अच्छे लग समोसे नॉर्मल बना रहे हैं तो कम लें, लोई छोटी लें, और अगर बड़े बनाने हैं तो बड़ी लोई लें। देखें बीच से हम कटर से काट देंगे और इसको इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, जो कटर कटिंग का हिस्सा है उससे फोल्ड कर लें आप। अब हम इसमें ये फिलिंग ला लेंगे आलू की, आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो ज़्यादा डालें, कम अच्छी लगती है तो कम डालें, आप पर डिपेंड करता है। और समोसे की पपड़ी अच्छी लगती है तो ज़्यादा बनाएं इसकी फिलिंग, वरना काट भी सकते हैं हम इसका जो हिस्सा होता है एक्स्ट्रा। देखें हमारा समोसा बन गया बिल्कुल बाजार की तरह। अब हम दूसरा बनाएंगे इसी तरीके से, यह जो इसका कटिंग का हिस्सा है इसको हम इस तरह यूँ करेंगे, शेप देंगे ये वाली। अब आलू की फिलिंग कर देंगे इसमें, और इसको मोड़ देंगे ये देखें इस तरीके से। और मैं दो आलू अभी समोसे बनाऊंगी। देखें लंबाई में हम इसे काटेंगे, ये बेलेंगे, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी हमें इसकी, ये होती है रोटी पतली बनानी है। अब ये मैं फ्राई कर लूँगी, मैंने समोसे बना लिए थे, ये देखें ऑयल प्रीहीट कर लें आप, गहरे बर्तन में करें इसे, बिल्कुल हम डीप फ्राई करते हैं समोसों को तो इसके लिए गहरा बर्तन लें और ज़्यादा ऑयल डालें और पहले से प्रीहीट करें। और जो बने हुए समोसे थे मेरे मैं इसमें डाल के देखें फ्राई कर रही हूँ गोल्डन ब्राउन होने तक, हल्की आँच पर करेंगे और तेज़ आँच में जल जाएंगे समोसे, रंग ख़राब हो जाएगा उनका। और बहुत मज़ेदार से लग रहे हैं, खुशबू भी अच्छी सी आ रही है, बिल्कुल हलवाई की तरह बने, मज़ेदार से गोल्डन गोल्डन समोसे हमारे तैयार हैं क्रिस्पी से। मैंने अभी तीन ही फ्राई किए हैं क्योंकि अभी कोई है नहीं, फिर जब सब बच्चे होंगे तो मैं और फ्राई कर लूँगी वरना ठंडे हो जाएंगे। ये वीडियो के लिए बना रही हूँ मैं, आप जब भी चाहें बना सकते हैं इसकी फिलिंग, और ये रख सकते हैं मैदा इसका गूंद के। ये देखें मैं कैचअप के साथ इसको आप सर्व करें, चिली गार्लिक सॉस के कैचअप जो भी बच्चों को पसंद है आपके, उस तरह आप इसे सर्व कर सकते हैं। हमारे होममेड समोसे तैयार हैं, देखें कितने मज़ेदार से हैं क्रिस्पी से, और गर्म इतने हो रहे हैं मैं तोड़ नहीं सकती इस वक्त, हाथ नहीं लगाए जा रहे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ानों की रेसिपी, और मैं और मज़ीद रेसिपीज़ इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक दीजिएगा मुझे। अगर आप लोगों को अच्छी लगी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें।